बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो 786 स्टोरीज फॉर यू चैनल से है और ये है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरीज एपिसोड 12। बिल्कुल, तो इससे पहले 11 एपिसोड हमने देख लिए हैं, दोनों ने मिलकर ही देख लिए हैं। शिवानी ने एडिट करते हुए देख लिए, मैंने वैसे देख लिए हैं। और आपको बताना चाहूँगा, मैंने तो सीरीज मैंने एपिसोड 12 भी देख लिया। मैं इतना एक्साइटेड था ना, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने फ़ोन पर ही एपिसोड 12 देख लिया। बट शिवानी ने नहीं देखा एपिसोड 12 अभी। तो पता नहीं यार इस सीरीज़ में ऐसा क्या बंदा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और आगे क्या होगा, क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हज़रत यूसुफ़ की जो जो कैरेक्टर ने जो निभाया है, उनका फेस देख के या उनका बोलने का अंदाज़ फेस और उनका जो चीज़ दिखाया गया वो बहुत अच्छी वो दिखाया गया कि हर बंदा उनसे इम्प्रेस हो जाएगा वाकई में। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12। आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब, बस जरा मोहब्बत और खलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है? ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है। यही मोहब्बत और खलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युजार सीख जो नहीं था। युजार सीख, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विता बना देते हैं? इल्मे सहर नहीं तो बालो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महरो मोहब्बत जानता है, इसे शहर और जादू की जरूरत भी क्या? कल से युजार से बावर्ची खानी की निजामत के साथ साथ हमारा सूफेदार भी होगा। इनकी जगह की सुफरेदारी के लिए मैंने बहुत तगोदो की, सालों गुलामी बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ चराने वाला इब्रानी, क्या आया सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाबे पुतीफार है। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदोली तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेती बाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर से बात करो, होने पर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफरेदार और खान सामाए जनाब पुतीफार युजार सीफ हैं। अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे? यानी तुम नहीं जानते, तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। ऐ काश तुम जानते के मैंने जनाब पुतीफार के खान सामा बनने के लिए कितनी तगोदो की थी। शायद इसे नस्ल के खेतों में खेती बाड़ी के लिए या मादिया के कानों में भेज दिया जाए। खुदावन मुझे बख्शे।
अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो मुझे माफ कर दें, मैं इसकी तलाफी की कोशिश करूंगा, आप परेशान मत हो। बानो जुलेखा आई हैं। अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? चाहे अफसोस है बानो हजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माँ बाप के लिए फैसले करे। मेरा ख्याल है इंतकाले खबर में मुबालगा आराई से काम लिया गया है। ये बच्चा अजनबी है और उसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कस्र के मामलात में से मदाखलत की इजाजत मत दें। इजासी एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ हैं। बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे पस में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबिदे आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हमसरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युजासिफ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पुतीफार के गोश गुजार करें। बहुत खूब। आली जनाब, आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युजार शीफ सिर्फ फहरिस्त की रूह से, जो हमने ही उसके हवाले की है, अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबत का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबत के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नजर भी यही सवाल था। युजार शीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज किया। हमने खुदाओं और माबत के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबत की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबत के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबत के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लाखर? क्यों जनाबे पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलाम और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कस्र के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कस्र के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनुदी की खातिर जहमत उठाते हैं, जबकि कहाइनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी जहमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। युजासीफ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये युजासीफ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबेन ये इख्तलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। अभी तक तो सही चल रहे थे।
इनको देख के लगा आते आते कुछ नहीं नहीं उनको देख के लगना शुरू कर दिया। अच्छा ऐसी लग रहा है दरूद पर कहने आजम माबदे आमून अली जनाब गुजारिश है सुन रहा हूं। मैं कहने आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिना ने माबद की तोहिन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीफ है आमून और माबद के खादिन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तोहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सता कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम्हें तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था इससे पहले कि किसी को पता चले। वापस लौट जाओ। यहाँ से जाकर हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ अब देर मत करो। ये चीज समझ नहीं आई ना। ये उनको लंगड़ा के चलने वाली वो सॉरी सिंपैथी मिल जाती है ना कि बंदा मतलब लंगड़ा या ये मेरे भी पीठ पे दर्द मेरे भी पीठ पे दर्द चल रहा है। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई फरिश्तों की तरह है। बिल्कुल कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है। इतना खूबसूरत और रंगीन सोफा है तुमने सजा है इस आसिफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ युजारसी ने सीखा उसे हद कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्र गुजार हूँ युजारसी। क्या नौजवान युजारसी किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पोतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उकता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया युजारसी। माफी चाहता हूँ आली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सुफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पोतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्वीदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सुफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं।
उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं यूनिफर से कह दूंगा कि ओया और सुफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाब पुतिफार ने बजाहिर यूसासी मुझे हदिया किया था, दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूसासी कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था, यूसासी वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसान मंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ को इनायात का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून और मशकूर रहूंगा। कितना कुछ सजा हुआ है, हालांकि खाते थोड़ा सा है पर सजाते हैं पूरा। जरा सा खाया हुआ है ना उन दोनों ने, पर पूरा सजाया हुआ है। अदब और कायदी है ना, वही है। खाओ ना खाओ सामने दिखना चाहिए, पर ये है। मेरे साथ आओ। ये किताबखाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई है। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताबखाना सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई है। आली जनाब पुतिफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? कागज भी कब से आया, कितना पुराना है। आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इख्तदार मिस्र अबदी नहीं है, जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगैयुरात वसी खून रेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने गुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमोन से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी ख्याल है कि पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी, अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूसासी? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ, ये तगैयुर एक फस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वकूअ पज़ीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ हाँ मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूसासीफ, तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं
और पत्थर से दुश्मनी कोई अकलमंदी और दाना ही नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परिस्थिति नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आजम को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। वही ना जो पहले जो शिकायत लगी थी इनके पास। कायने आजम अपने अकीदे का इजहार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमों की परस्तिश करता था, अलबत्त पता नहीं। ये अभी लगा कट, पहले तो नहीं था। ये बात किसी से ना कहना, मैं कायनान मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूं? अरबाब इख्तियार मोहब्बत बहुत गुस्ताख और खुदसर है। वो मिस्र के मफादात के बारे में सोचे, अपने मफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत हो, इतना काफी है, जाओ आराम करो। ये मचान के पीछे ही पड़ी रहती है ये। हाँ ये वो जब फरिश्ता आया था तब भी सुन रही थी ना बात। खुदावन, अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन, पुतिफार, बानो जुलेखा, नीमी साबु, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन, मेरी माँ की रूह को शाद व मसरूर रख। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो, ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है, उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। حضرت جبریل ہے، درود خداوند بر پہ کے حق فرشتہ ہے وہی۔ کیا کر رہے ہو یوسف؟
बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतिफार से दरखास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया। यूसुफ, तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात है। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई है। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाई को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना? या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर गिरदार शरीफ ना होता तो आपको खेतों में नर्सल की काश्त के लिए या फिर मादनियात के कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतिफार ने गिरदार शरीफ की दरखास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बेकार खानसामा हो लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतिफार के लिए गिज़ा के आमाद की तुम्हारे जिम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो लिहाजा युजार शीफ की जगह गिज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे जिम्मे है। जी, राजी हो? जनाब पेशकार का नहायत ममनून और मशकूर हूँ। युजार शीफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे। चलो। हिफाजत ना कर सका, नहीं नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। छोटे भैया बिन्यामिन, तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहाँ है? अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा। राहिल, इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रादर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने,
तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है, तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहाँ है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूम है। ये वो वाले है ना हजरत जिनके। ये कौन था बाबा? बताते हो पैगे हक फरिश्ता मर्क इसराइल। इसराइल मैं तो समझता था कि इसराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने, हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राही, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है, सूरज गुरु होने से पहले। चलो बेटा, अब जान में जा रहे हैं भाई। जिगर का टुकड़ा पता लगता ना कि बच्चा जिंदा है, तो फिर उसकी खोज अब फिर शुरू होती है। मैं एग्जैक्ट सोच यही सोच रही थी कि ख्वाब में ही पता चल जाएगी कहाँ पर है। यकीनन राहिल की कब्र पर। और कहाँ? वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िये ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते, तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए, सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं, आप लोग छोटे हैं, आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो भी तुम जाओ मिनियामिन। बाबा और बिनियामिन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई लेकिन बाबा ने हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी, हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है, और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चलाने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और खमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार शरीफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है।
بانو حضور، کل رات میں نے یوزار شریف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول دیکھا، کوئی بھی بت وہاں پر نہیں تھا، وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ بہت خوب، آج رات مجھے دکھانا، میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور بانو حضور، اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ یوزار شریف کو ذہین و فتین کہتے ہیں، اور تم دیوانہ؟ اے وہاں کیا کر رہے ہو؟ گھاس چن رہا تھا، یہ پھولوں کو خوش کر دیتی، اور اگر انہیں نکالا نہ جائے تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ۔ بس کرو، اپنا کام انجام دو۔ یوزار شریف، یوزار شریف، تم کہاں ہو؟ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ لوگ تم پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کون؟ کاری ماما اور بانو زلیخا کا کہہ رہا ہوں، ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو، کاہن بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں۔ تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی چلتا ہوں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے لیے توڑے ہیں۔ میرے لیے؟ میں کوئی چرندہ تو نہیں، میں اس گھاس کا کیا کروں گا؟ نہیں، یعنی تمہاری خاطر توڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بات تو وہی ہوئی نا۔ معاف کرو بھائی، مجھے کیا پتا کس لیے توڑے ہیں۔ سپاس گزار ہوں، یہ تو تمہاری عنایت ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو۔ میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں، اگر تمہاری عنایات نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا۔ اچھا، رات کو جا رہے ہیں۔ چوپٹ پلان، چوپٹ۔ پتہ نہیں، شاید نصب کو اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے۔ خدا ہمت دے۔ شکریہ لیا۔ لگتا ہے آپ کا یہ حجرا تعمیر کرنے کا ارادہ حتمی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں۔ اچھا، وہ خود کے لیے؟ میں ہمیشہ یوسف کا منتظر رہنا چاہتا ہوں۔ انتظار کب تک؟ یہ انتظار کب تک رہے گا؟ انتظار مسلسل، جب تک یوسف واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ اس روز تک اس حجرے میں ہی رہوں گا، اور اسی راستے پر کہ جہاں سے وہ ایک روز گیا تھا پلکے بچھائے بیٹھا رہوں گا۔ آرام نہیں کریں گے، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں، آتا ہوں۔ بنیامین، چلو بیٹا۔ اچھا، دور بنا لیا شہر سے۔ آپ کے خیال میں یوزار شریف ایک یکتا پرست نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ لیکن میرے خیال میں وہ خدا آسمان کی پرستش کرتا ہے، اور خدایان مصر سے بیزار ہے۔ ایک بچے کو کیا معلوم کہ خدا یگانہ کون ہے؟ اس کی تو جیسی بھی تربیت کی جائے گی وہ اسی طرح سوچنے بھی لگے گا۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اس بات کا تعین بھی کریں گے کہ وہ کس کی پرستش کرے گا اور کس چیز سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اسے خداؤں اور آمون کے متعلق بتائیں، جا
जब माबत जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें, ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कानून से आशना हो जाए। हरकत करो। पहले ऐसे कहते हो कि हरकत करो, आगे बढ़ो, फिर उसके बाद से आने लग जाए। मतलब बात वही होगी, हरकत करो, हरकत मतलब हिलो, चलो मूव। युजार सीख को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ, मेरा तख्त रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब वो आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हनीफर? यकीन नहीं आता कि युजार शीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आश्ना करूँ, राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आइन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजार सीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। कुछ लोग होते हैं जेलस करने वाले ना। युजार सीफ आओ यहां बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों, तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर? दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। वो तो अंदर से मतलब खुश होते हैं ना कि इतना समझदार बच्चा है। जैसा बालों कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो। दो दो चार और चार आठ बंदे। सारे सर झुका के जा रहे हैं जितने भी जा रहे। अभी महल के अंदर है? नहीं, अब बाहर आ गए।
हुआ ना, दिल में इतनी ज़्यादा दया है ना सबके लिए, तो फील नहीं हो रहा मुझे, नहीं फील बहुत ज़्यादा हो रहा है फील ज़्यादा हो रहा है। वो गर्व है दुनियाए मुर्दगान, हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्व दुनियाए अजीब है, हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास ताम मशरूबात वगैरह कसी मकदार में दफन करते हैं, ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं, ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहे। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है, मुमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिसने दोबारा और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज़्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें, ये लोग थक गए होंगे। नई हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद चाहिए वही जिन्होंने बेचा था, एक तरह से भाई ही हैं इनके, कज़न भाई हैं एक तरह से। बिल्कुल, जो इन्होंने जो बात कही ना, ये पहले मिस्र में हो जाता, जो इतनी ज़्यादा हम डॉक्यूमेंट्री टाइप देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो राजा जो मरता था उसके साथ में सोना और गुलाम, तीन चार दासियां या तीन चार मेल और फीमेल दोनों गुलामों को उनके साथ में दफना दिया जाता था कि दूसरी दुनिया में जाओ तो गुलाम तुम्हारी सेवा में वहां भी रहे, साथ में सोना वोना और वो भी बेच देते, खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें, सोना, मतलब सब कुछ, ऑलमोस्ट सारी चीजें लेके आओ, चलो जी जाओ, और वो बेचारों को जिंदा ही दफन कर देते थे। बताओ क्या ही होता। अरे नहीं, अब तो मम्मी कॉन्सेप्ट हो गया ना मिस्र में, तो मम्मी के साथ ही तो करते थे। हाँ, पर नहीं, जैसे वो कुछ जैसे फिरौन की बॉडी के साथ किया था मिस्र में। फिरौन तो चलो नील नदी में मर गया था ना, उसके बाद में मम्मी का क्या होता है, जैसे माइकल जैक्सन की बॉडी के साथ किया था ना, कि बॉडी के ऊपर वो कुछ लेप लगा देते हैं और फिर उसको बैंडेज करके रख देते हैं ताकि बॉडी जो मांस है वो खराब ना हो काफी टाइम तक, काफी सालों तक। बिल्कुल, वो अब करते हैं ना। नहीं, वो भी पहले होता था, मम्मी का कॉन्सेप्ट वो भी पहले होता था कि पट्टियां चढ़ाते थे, लेप लगा के काफी ज्यादा करते थे, वो भी पहले होता था कि इसकी बॉडी खराब ना हो, बट साथ में उनके सेवक, साथ में हाँ सेवक दे जो थे, ये नौकर चाकर ये सब देते साथ में कि भाई तुम जा रहे हो साथ में जाओ, सोना वोना भी लेके जाओ अपना साथ में। तो बताओ, जो अमीर बंदा मरता था उसके साथ होता था, उसके साथ होता था बिल्कुल, राजाओं महाराजाओं वाला। तो जे थी आज एपिसोड 12, तो आज कंप्लीट एपिसोड 12, तो आज हम मिलते हैं आपसे एपिसोड 13 में। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी करना। हाँ,
हाँ कमेंट भी करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।